और इस देश की सरकार के लिए, इस देश के शासन और प्रशासन के लिए, जिस देश में माँ बहन बेटियाँ परेशान होती हैं, दुख उठाती हैं, इससे बड़ी शर्म की ओर कोई बात, इससे बड़ी लज्जा की ओर कोई बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। हमारी बहनें, हमारी माताएं इतना कष्ट झेलकर, इतना दुख झेलकर, अपनी बातों के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए इस अंधी बहरी सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग मंगवाने के लिए आई हुई है, और इससे बड़ी और क्या जालियत हो सकती है। ये बहुत बड़ी जलालत भरी बात है। इन लोगों की आंखों में शर्म नहीं है, इन लोगों की आंखों में जरा सा दया भाव नहीं है। जहां तक किसानों की और मजदूरों की बात है, मैं सभी किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, यहां जितने भी किसान भाई आए हुए हैं, हम में से कौन बता सकता है हमारी फसलों का मूल्य निर्धारण कैसे करती है सरकार, कैसे आकलन करती है? गन्ने का भाव 330 रुपए निकाला, गेहूं का भाव 1750 रुपए दिया, तो कौन से पैमाने से दिया है? कौन सा सूत्र प्रदाय करते हैं ये लोग? नहीं पता ना, यही तो तकलीफ है कि हमें पता ही नहीं है। तकलीफ ही यही है, ये पता करना पड़ेगा। ये धरने प्रदर्शन आज से नहीं, जब मैं छोटा सा था तब से ये दरे बिछते आए हैं। मैंने मिलों पे देखा, जहाँ गन्ना लेके जाते हैं, पिछले साल का भाव दे दो जी, थोड़ा सा 50 पैसे बढ़ा दो जी, हम मांगने ही वाले हैं, हम हाथ फैलाने वाले हैं, और ये दाता हैं। ये लोग दाता कैसे हो गए और हम मांगने वाले कैसे हो गए, ये चिंतन का विषय है। इनको हटा दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इस देश की सरकार में बैठ सके। इस देश में वही लोग सरकार में बैठेंगे जो हल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, दंती चलाते हैं, खुरपा चलाते हैं, मजदूरी मेहनत करते हैं। वही लोग जब तक देश की संसद में नहीं बैठेंगे, तब तक आपका कोई मुनाफा होने वाला नहीं है। और इसके लिए टिकैत साहब की रैलियों में 10-10 लाख लोगों की भीड़ हुई है, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। इसका मतलब भीड़ बीच का पैमाना नहीं है, तो इसका पैमाना क्या है वो बताना चाहता हूं आप लोगों से। आप लोगों को कौन से हथियार से मारा है? अगर आप लोगों को बंदूक से मारा है तो बंदूक से मुकाबला हो जाएगा, अगर आप लोगों को तलवार से मारा है तो तलवार से मुकाबला हो जाएगा, अगर आप लोगों के पेट में चक्कू घोपा है तो चक्कू से मुकाबला हो जाएगा, अगर आप लोगों के दराक चांटा मारा है तो चांटे से मुकाबला हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने हमें दिमाग से मारा है, दिमाग से। और जब तक हम इनके मुकाबले का दिमाग अपने समाज में पैदा नहीं कर लेते, तब तक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और उसके लिए ये लोग कैडर के लोग हैं, और ये किसानों का कैडर आया है। पहली बार भारत में किसान, और महाराष्ट्र में देखिए उन्हें पूरे महाराष्ट्र को जाम कर दिया, वो कैडर लेके आए किसानों का, और किसान कैडराइज हो जाएंगे, इनका मुकाबला हो जाएगा। आप जहां भी खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, आप खेत में खड़े हैं, आप गन्ना लेके गए हैं, आप गेहूं तुड़वाने गए हैं, आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी। इनका मुकाबला बातों से होगा, लट से नहीं होगा। लट की लड़ाई बहुत लड़ चुके हम लोग, अब दिमाग की लड़ाई लड़ने का नंबर है। तो दिमाग पैदा करने के लिए कैडराइज करना पड़ेगा, अपने समाज को कैडर देना पड़ेगा। कैडर के माध्यम से ही आप लोग उस ज्ञान को अर्जित करोगे, और ज्ञान को अर्जित करके ही आप लड़ाई लड़ सकते हो। बिना ज्ञान के लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ज्ञान की लड़ाई लड़ना चाहते हो, लट की लड़ना चाहते हो? अगर आप ज्ञान की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो महाराष्ट्र के किसानों से सीख लो,
वो दिमाग की लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है और वहां फडणवीस के चार टांग चौड़ी कर दी उन्होंने कई बार और धरती पर नाक रगड़ने के लिए तैयार हो गया वो। लेकिन वो सरकार ही बदल देंगे अब की बार उनकी सरकार ही खत्म कर देंगे। इस देश में सबसे ज्यादा 69% किसान है, 69% किसान है देश में। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई किसानों के तो बेटे जाते हैं लोकसभा में विधानसभा में, वो किसान की बात बोल के जाते हैं, कुछ और बात बोल के बनते हैं विधायक या एमपी। जो बात वो बोल के एमपी बनते हैं एमएलए बनते हैं वही बात वहां बोलेंगे, वो किसान की बात बोल के एमपी एमएलए नहीं बने। जो किसान की बात बोल के एमपी बनेगा एमएलए बनेगा वो आपकी बात बोला करेगा। अब ये तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी आने वाले 10 सालों में लगभग इस देश में परिवर्तन होने जा रहा है, ये देश बदल दिया जाएगा। भारत माता की जय, जय जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। जब तक दुखी जान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती में तूफान रहेगा, जब तक धरती में किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान।